लाख डिमांड कर रहे हैं। चेक करें आप, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है, जेन्यून है बिल्कुल हर चीज़ इस करें। 97 मॉडल है और 460 डिमांड कर रहे हैं भाई। कंडीशन वाइज भी गाड़ी ठीक है, यानी कि ये वो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग अगर ये तो भाई एक एंटीक पीस आ चुका है हमारी इस संडे बाज़ार में, चेक करें जी। तो भाई ये हाईजेट है 1217 एवरी 12 का मॉडल है, 17 जिस भाई एक वेरिएंट मिला है हमें 87 मॉडल एफएक्स का, चेक करें दोबारा बनी हुई गाड़ी है, चेक करें जी। तो भाई ये 500 लवर्स के लिए 500 8 मॉडल 12 रजिस्टर्ड 1775 भाई कह रहे हैं कि फाइनल है गाड़ी। कंडीशन वाइज आप चेक कर सकते हैं। तो भाई कैसे हैं, सब ठीक हैं? मन में है, आज हम लोग दोबारा आ चुके हैं संडे कार बाज़ार में। जैसा कि आप सबको मालूम था, थोड़ा एक दो वीक स्किप किए थे हम लोगों ने, लेकिन अभी हम रेगुलर आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी वैसे भी सर्दियों का जो दौर था वो शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, उसी चक्कर में हम लोग आए थे ताकि आप लोगों को विज़िट करवा सकें कि सर्दियों के अंदर मार्केट कैसी रहेगी, आपको होगी या डाउन। तो अभी इंशाल्लाह आप लोगों को हम सारा इधर व्यू करवाते हैं, गाड़ियों के प्राइसेस, उनके मॉडल वगैरह। तो काइंडली सब्सक्राइब शेयर करें लाजमी हमारे चैनल को। तो अभी चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, देखते हैं कौन सी गाड़ी कितने में मिल रही है, इंशाल्लाह चेक करते हैं अभी सारे व्यू करते हैं। लियाना मिली है 6 का मॉडल है, 9.5 लाख डिमांड कर रहे हैं, चेक करें आप। गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है, जेन्यून है बिल्कुल हर चीज़ इसकी। गाड़ी का आप लोग रूम चेक कर सकते हैं, जैसे लोगों की डिमांड थी कि हमें दिखाएं लियाना भी, चेक कर सकते हैं आप। सुजुकी का एक बहुत ही अच्छा वेरिएंट था, जो कि मैं भी इसके साथ ही 2-3 और उन्होंने अपने वेरिएंट निकाल दिए थे, जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन जिनके पास है या जो यूज़ कर रहे हैं उनके इस बारे में पता है कि यह गाड़ी कैसी है चलने में, और इसकी एवरेज भी ठीक ठाक है, क्योंकि हमारे भी एक दोस्त हैं उनके पास ये गाड़ी है। ये भी आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, अभी बाइक से रब्ता करते हैं इंशाल्लाह, वो बताएंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद सर, गाड़ी कौन सा मॉडल है? ये गाड़ी 2006 का मॉडल है। क्या डिमांड है सर? 9.5 लाख। 9.5 लाख। और सर गाड़ी चल कैसी रही है, क्योंकि हमारे भी दोस्त के पास है, लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं है ज़्यादा। गाड़ी मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी चल रही है। फर्स्ट ओनर है आप? सेकंड ओनर हूं, थ्रू आउट फर्स्ट पेट्रोल ड्राइवन गाड़ी है। सही हो गया, अपने इंजन पे सीएलडी इंजन है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। ठीक हो गया सर, और जो डिमांड है उससे थोड़ा कमी बेशी हो जाएगी अगर किसी ने लेनी आउट ऑफ सिटी? चले किसी ने लेनी होगी तो फिर दे नंबर देंगे सर अपना, 0032161 6814034 4034। ठीक हो गया, तो हमें तो इस बारे में पता था तो आपको बता रहे हैं, पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है, हर चीज़ गाड़ी की ओके है, आप भाई से रब्ता कर सकते हैं आउट ऑफ सिटी। गाड़ी के आपको बिल्कुल एक आउटर लुक दे देते हैं, अंदर से बिल्कुल ओके है, सीट्स वगैरह चेक करें, ऑल ओके गाड़ी है। यानी कि इस बजट में आपको कल्टस नहीं मिल सकती, लेकिन ये गाड़ी एक अच्छा वेरिएंट थी और अच्छी चॉइस भी है अगर आप लोगों ने लेनी हो 10 लाख के अंदर जी। तो भाई ये हाईजेट है 1217 एवरी 12 का मॉडल है, 17 रजिस्टर्ड है, 12 ही डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी चेक कर सकते हैं, ओके कंडीशन में है बिल्कुल, और चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल ऑल ओके है, हल्का फुल्का ये टचअप है गाड़ी में फ्रंट पे। अभी आपको गाड़ी का रूम चेक करवाते हैं, रूम ऑल ओके है, ऑटो ट्रांसमिशन होती है, पैनल लगा हुआ है गाड़ी में, ये आप चेक कर सकते हैं गाड़ी की, ऑल ओके है, पीछे की सीट्स वगैरह बनी हुई है भाई सर। आप सलामकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का। आतिफ भाई कौन सा मॉडल है जी? ये 1217 मॉडल है। 1217 मॉडल है, क्या डिमांड है इसकी? 12 लाख रुपए। 12 लाख। और इंजन वाइज गाड़ी कैसी चलने में? इंजन इसका चेंज हुआ है। चेंज हुआ है जी। ठीक हो गया, गाड़ी ऊपर से और अंदर से दोनों साइड से जेन्युइन है। जेन्युइन है, ठीक। ऑटो ट्रांसमिशन है? ऑटो ट्रांसमिशन। ठीक हो गया। और सर असेंबली है गाड़ी की? जी जी बिल्कुल। और ये डिमांड जो करे इसमें कमी बेशी होगी, कोई आउट ऑफ सिटी रब्ता करेगा? ठीक हो गया, नंबर देंगे 0303152424247817। ठीक हो गया, कागजात वगैरह सारे क्लियर हैं? पूरे क्लियर, रिपोर्ट पेपर हो गया सब क्लियर। ठीक हो गया जी, तो सिर्फ इसका इंजन जो है वो चेंज है, बाकी ऑल ओरिजिनल कंडीशन में खड़ी है गाड़ी, चेक कर सकते हैं आप।
जी तो भाई एक वेरिएंट मिला है हमें 87 मॉडल FX का, चेक करें, दोबारा बनी हुई गाड़ी है, चेक करें, लेकिन कंडीशन वाइज गाड़ी बिल्कुल आल ओके खड़ी हुई है। हमें भी अभी गुजरते हुए, वरना हम इसका रिव्यू नहीं करना था। अभी आपको कंडीशन चेक करवाते हैं, लगी तो होंगी न्यू सीट्स वगैरह खुद लगवाई होंगी, लेकिन ये है कि जैसे सुनील भाई ने अपनी गाड़ी की थी FX, उसी तरह इन्होंने भी रिस्टोर की हुई है गाड़ी, चेक करें। ये इसके जो दरवाजे वगैरह हैं वहाँ तो गाड़ी का और है, और जो आगे इसका रूम है वो और है गाड़ी का, चेक करें। चलने में आल ओके है गाड़ी, इंजन वाइज भी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, चेक कर सकते हैं। और डिमांड पता कर लेते हैं, अंकल डिमांड क्या है गाड़ी की, डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? 150 150 डिमांड कर रहे हैं, ठीक हो गया, 150 डिमांड कर रहे हैं भाई। और गाड़ी बिल्कुल सीट तक और जो उसके डोर्स हैं वहाँ तक गाड़ी आल ओके है, बाकी आगे जो उन्होंने वो आगे रिस्टोर नहीं की हुई गाड़ी। खैर जैसे वो वैसे ही गुजर रहे थे तो हमने कहा आपको दिखा दें, 1.5 लाख के अंदर गाड़ी है, बाकी इंजन भी आप इसका चेक कर सकते हैं। 87 मॉडल है, कंडीशन वाइज गाड़ी आल ओके है, चेक करें गाड़ी का रूम, चेक करें गाड़ी का, माशाल्लाह बिल्कुल VIP है, लेदर सीट्स हैं, छत चेक करें आल ओके है गाड़ी की, बिल्कुल जीरो टचअप के साथ गाड़ी है, बिल्कुल एज न्यू, चेक करें। फ्रंट इसका चेक करवा देते हैं, आल ओके है भाई गाड़ी बिल्कुल, टायरों पे है, चेक करें टायरों की कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है, ठीक हैं तभी से? जी, क्या नाम है सर आपका? राशिद। राशिद भाई क्या हाल है, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कौन सा मॉडल है? 812 मॉडल है। सही हो गया। और इंजन इसका जो है वो अपना है, यानी कि सील्ड इंजन है। सही हो गया। 82,000 इसकी माइलेज है, ठीक हो गया। फुल ऑप्शन गाड़ी है, क्लाइमेट कंट्रोल AC है, क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री है, फुल ऑप्शन एक्स मेमोरियल है, ठीक हो गया। और डिमांड जो बताइए, प्राइस फाइनल है? 17,000 फाइनल है। और नंबर देंगे अपना? 03-0300-9256-715 सेवन। और कागजात वगैरह क्लियर, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर गाड़ी है, ओपन लेटर के ऊपर, ठीक हो गया। ठीक है भाई, तो अभी जो लवर्स से उन्होंने चेक कर लिया पासो गाड़ी। तो जी तो भाई ये एक और मार्गला गाड़ी आई है, चेक करें, 97 म८डल है और 460 डिमांड कर रहे हैं भाई। कंडीशन वाइज भी गाड़ी ठीक है, यानी कि वो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग अगर चाह रहे हैं कि हम लोग यानी कि कम पैसों में, जैसे मेहरान के पैसों में हमें डिक्की वाली गाड़ी मिल जाए, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। 460 डिमांड कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से आजकल के दौर में बिल्कुल अच्छी डिमांड है। अभी आपको गाड़ी का रूम भी चेक करवाते हैं, अंदर से आप गाड़ी का रूम चेक करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूम पड़ा हुआ है गाड़ी का, अंदर से छत चेक करें, सीट्स वगैरह और लेदर कवर चढ़े हुए हैं गाड़ी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? शहबाज नाम है। शहबाज भाई क्या हाल है, ठीक है? सर कौन सा मॉडल है गाड़ी? 97 मरगला है। मरगला 97 है, डिमांड क्या है? 460। और कागजात वगैरह ऑल क्लियर है? ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, इंजन इसका अभी बना है, AC चिल्ड ऑन है और अंदर से पूरी जेनियन है। AC यानी क्या होना है? अभी भी AC चिल्ड ऑन है। सही हो गया। और जो डिमांड है उसमें कमी बेशी हो जाएगी कोई? मामूली सी होगी, और वो सही होगी जब मैकेनिक या खुद से कस्टमर विजिट करेगा जब। ठीक हो गया। और अपना फोन नंबर देंगे? जी 03-0333-0988-548। ठीक हो गया सर, थैंक यू जी। तो ये आपको रिव्यू करवा दिया है, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी, अगर आपने मेहरान के पीछे भागते हैं तो उस हिसाब से ये गाड़ी अच्छी है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो लें, पैसे आपने भरने, हमने तो नहीं भरने जी। तो भाई एक एंटीक पीस आ चुका है हमारी इस संडे बाज़ार में, चेक करें। सो भाई ये 87 मॉडल क्रोला मिली है हमें, चेक करें, बहुत ही एंटीक पीस है, भाई ने इसको आउट ऑफ द मार्केट, डोर्स वगैरह इसके रिस्टोर किए हुए हैं, देखें ये पाकिस्तान का लोगो लगा हुआ है, बहुत ही फेवरेट कलर में बनाई हुई है भाई ने अपने, और लोग इसमें बैठ के पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। भाई ख़ुद यहाँ पे नहीं है मौजूद, तो इसकी प्राइसिंग वगैरह का भी हमें नहीं पता है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं, तो जो लड़का खड़ा हुआ था कह रहे हैं दिखा दें, बाकी मुझे इतना नहीं पता हुआ, तो वैसे आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं जैसे लोग रिस्टोर करते हैं, भाई ने भी रिस्टोर की हुई 87 मॉडल लेके, चेक करें, बहुत ही एंटीक कलर भी इसका प्यारा है,
इसकी जो एक ख़ास बात है, इसका गियर चेक करें, गियर कैसे लगा हुआ। तो ये लोग आप कमेंट में बताएं कि गियर इसका ऐसे ही होता है या यानी कि खुद लगाया हुआ है। बाकी यहाँ पे तो सनरूफ भी लगाई गई है, काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ द मार्केट हैं इसके अंदर, डोर जिसके स्लाइड खुलते हैं। और चेक करें सारा इसका मस्टेरिंग भी आपको साइड से आके दिखाता हूँ सारा। ये भी भाई तस्वीर ले रहे हैं यहाँ पे बैठे बना रहे हैं, तो अभी आपको इंशाल्लाह उस तरफ से दिखाते हैं। इसका सारा स्टेरिंग भी आउट ऑफ द मार्केट लगाया हुआ है। और चेक करें आप, मुझे बस गियर का बताइएगा। इसका अपना ऐसे आता था, जो पुराने मॉडल की क्रोला थी, अभी इन्होंने खुद इसको ऐसे करके रिस्टोर किया गियर को इसको। बाकी डोर जिसके रिस्टोर सही हुए हैं, मज़े के बनाए हुए उन्होंने। खैर अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं उस साइड से। AK-47 का लोगो लगा हुआ है, चेक करें क्या बात है भाई, अच्छी है गाड़ी को रिस्टोर की हुई। और आगे आपको जाके चेक करवाते हैं। ये भी भाई निकलते हैं, भाई भी निकल जाए अल्लाह करे, निकल रहे हैं। चलो अभी आपको दिखाते हैं, चेक करेंगे। इसका स्टेरिंग आउट ऑफ द मार्केट लगाया गया है, बहुत ही अच्छा। और ये इसका गियर चेक करेंगे, मैं आपको कह रहा था इसका, और चेक करें। चलें भाई, बाकी इंशाल्लाह बताते हैं आपको फिर। और ये भी देखें, ख़ास अच्छा निज़ाम है। और ये एक जापानी गाड़ी कोरे, और ये पुराना मॉडल है। आप लोगों को इसके मॉडल का पता होगा तो लाजमी बताइएगा, ओल्ड मॉडल है। मुझे इसके मॉडल का नहीं पता और ना मुझे यहाँ पे जहन में है। भाई भी थे यहाँ पे, वो चले गए कहीं, पहले आप चेक करवाएं, मैं आता हूँ, पता नहीं आते हैं या नहीं। और ये आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी फुली अच्छी हालत में पड़ी हुई है। और ये कोरे है जापानी, एक जो भी पाकिस्तानी आ रही हैं वो जापानी थी, ये यानी कि पहले के मॉडल्स हैं। चेक करें, आप कुंदर से दिखाते हैं इसका रूम। रूम तो इसका नीट एंड क्लीन है। और ये देखें इसका रूम, ये देखें इसका कैसे आता था। ये आगे एसी आगे चले गए थे, यहाँ जगह बनाई गई थी चीज़ें रखने के लिए। एयर आ गया इसका, कंडीशन तो सही है, साफ़ सुथरी है इसकी गाड़ी के अंदर से। ये बच्चा बैठा हुआ है पीछे इनका, चेक करें। सनरूफ, छत वगैरह, सॉरी सनरूफ कह दिया, छत वगैरह सारा कुछ सिस्टम इसका, स्टीयरिंग वगैरह सारा कुछ ऑल ओके। आगे इंशाल्लाह देखते हैं और भी आपको दिखाते हैं साइड से। ओके चेक करें, ये उससे थोड़ी सी ऊंची है मेरे ख्याल में जो दूसरी आती थी। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ है। जी तो भाई, आज के इतवार बाज़ार से आपको जो उन ठीक चीज़ें भी दिखाई हैं, फ़िलहाल इतनी ही था हमारा व्लॉग। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे। यहाँ पे यार तकरीबन कम से कम भी 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा गाड़ी होती है, जिसको कम से कम भी इतनी होगी, क्योंकि आने जाने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। एक ही दफ़ा तो मैं भी ना हो तो उनको विज़िट करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो जितनी मुझे हो सकता है हम लोग उतनी करवा देते हैं आपको विज़िट। बाकी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको लाजमी दिखाएंगे। अभी चलते हैं फ़िलहाल आगे, गाड़ियाँ एक ही लाइन में हम लोग इतना आगे तक जाएं तो यानी कि वैसे बस हो जाती है चल चल के। लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग आते हैं यार, सब्सक्राइब शेयर और लाइक लाजमी किया करें। बाकी आपको ये चलते हुए दिखा रहे हैं गाड़ियाँ, यहाँ पे हर तरह की आपको मिलेंगी। बाकी जो आप लोग अगर कोई पूछना चाहे कि यार प्राइस कैसी होती है, सस्ती है, तो भाई फ्री में कोई भी नहीं देता। बाकी बारगेनिंग आप जितनी कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आज के व्लॉग से हमारा इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।